जो शरीयत आपके घर के अंदर माँ बहन बेटियों को देखने की भी इजाजत न दे रही हो दूसरों को, दीन के नाम पे जलसे कराने वालों और जलसों में मेले रचाने और बसाने वालों और उस मेले के अंदर लिपस्टिक लगा लगा कर, क्रीम और पाउडर लगा लगा कर अपनी माँ बहन बेटियों को भेजने वालों, जिस इस्लाम ने, जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने घर के अंदर बैठी हुई माँ बहन बेटी को भी चुपके से देखने वाले की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया हो, जब तुमने ही अपनी माँ बहन बेटियों को बाहर निकाल दिया है, हर कसो नाकस फिर देखेगा नहीं तो क्या करेगा? मेरे भाइयों, जाहिर बात है जहां मिठाई होगी मक्खियां तो आएंगी ही, यहां पर फिर गुनाह कहां रह जाता है? यहां तो आंखों को ठंडा किया जाता है। मेरे भाइयों, गौर करो, अंदाजा लगाओ, क्या मौलाना जर्जीस के इस कुर्सी पर बैठने से पहले भी इतने लोग मौजूद थे? क्या यहां इतने लोग मौजूद थे? क्या फिर मौलवी जर्जीस के आ जाने के बाद मेला भी बंद हो गया? मौलाना जर्जीस के आने के बाद पब्लिक की तादाद भी बढ़ गई? इससे पहले आप कहां थे? उससे पहले जो बोल रहा था क्या वो कुरान और हदीस में ही सुना रहा था? उससे पहले जो बोल रहा था क्या वो कुरान और हदीस में ही सुना रहा था? लेकिन भाइयों, ऐसी बेहयाई और उरियानियत और ऐसा नंगा नाच मेरे भाइयों शायद कहीं किसी और जलसों में देखने को मिलता हो बंगाल के अलावा, बिहार के अलावा। मैंने तो नहीं देखा कि मुझे कभी झारखंड में मिला हो, मैंने तो नहीं देखा कि मुझे कभी कर्नाटक में मिला हो ऐसा माहौल, मैंने तो नहीं देखा कि मुझे महाराष्ट्र में मिला हो, पंजाब में मिला हो, हरियाणा में मिला हो, राजस्थान में मिला हो, केरल में मिला हो, कश्मीर में मिला हो। मैंने तो ऐसा माहौल नहीं देखा है, ऐसा वातावरण नहीं देखा है। आपके यहाँ ये क्यों नहीं पाबंदी लगाई जाती है? समाज इस मेले के ऊपर रोक क्यों नहीं लगाता है? औरतों को इन मेलों में जाने से रोक क्यों नहीं लगाता है? आपकी बहनें, आपकी बेटियां, और वो भी मेकअप करके इन मेलों में घूमती हैं और उनके पीछे लड़के भी घूमते हैं। कह लेने दो मुझे, हाँ हाँ, साफ साफ कह लेने दो, ऐसा लगता है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हुए हो। कह लेने दो मुझे, हक है मुझे ये कहने का और सुनने का, हक है आपका, आपको सुनना पड़ेगा, आपको नहीं आपके बाप को भी सुनना पड़ेगा। यहां जब तक मैं बैठा हूं ये पावर मुझे, ये अथॉरिटी मुझे दी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। हकीकत में ऐसा लगता है जैसे एक कुतिया के पीछे जैसे 10-10 कुत्ते लगे हुए। इतना डेंजर सुनने के बाद भी नहीं सुन रहे, कुत्ता बनना मंजूर है लेकिन पीछा करना, छोड़ना मंजूर नहीं है। ये काम छोड़ महसूस होता है, क्या करे? 20 साल का जमाना कोई मामूली जमाना नहीं होता है। कोई मौलवी 12-10 साल से ज्यादा नहीं चल पाता। ये आपकी मोहब्बत है जो 20 साल के बावजूद हो जाने के बाद भी आप मुझे बुलाते हो। 2 दिन के जलसे में एक दिन किसी और मौलवी को रखते हो, एक दिन किसी और को, मुझे दोनों दिन रखते हो। ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत का अमली तकाजा वो होगा जब आप हमारी बातों पर अमल करके दिखाएंगे और मेले ठेलों को बंद कराएंगे। ये बुराइयों की जड़ है। दीन का जलसा कर रहे हैं और उसी में मेला लगा हुआ है, उसी में लिपस्टिक बिक रही है, उसी में चूड़ी बिक रही है, उसी में क्लिप बिक रही है, उसी में पॉन्स बिक रही है, उसी में फेयर लवली बिक रही है। और हाथ दे देकर देखो चूड़ी आ रही है, आ रही है, चूड़ी बेचने वाला हाथ पकड़ के चूड़ी पहनाता नहीं, टाइट है दूसरी, तो दूसरी पहनाता है। कितना बड़ा गुनाह है अपना हाथ किसी गैर औरत के हाथ में, मर्द के हाथ में दे देना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हारे सर पर लोहे की कील रख दे और हथौड़े से मार कर उसको ठोके, तो तुम अपने जिस्म के अंदर अपने सर पर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कोई और नहीं, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। मेरी कौम की बेटियों बहनों सुनो, अल्लाह के नबी का फरमान है कि कोई तुम्हारे सर पर लोहे की
कील रख दे और हथौड़े से मार कर उसको ठोंके और तुम्हारे सर में चुभ दे, तो तुम अपने सर पर लोहे की कील ठुकवा लेना, लेकिन अपना हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में मत देना। ये उससे भी ज्यादा सख्त है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अल्लाह के यहाँ एक औरत अपना हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में देती है, ये उससे भी ज्यादा सख्त है कि कोई अपने सर में कील ठुकवा ले। कील ठुकवा ले वो आसान है, लेकिन इसका अजाब उससे भी ज्यादा सख्त है कि एक औरत अपना हाथ किसी दूसरे मर्द के हाथ में दे दे। लो चूड़ी पहनाओ या मुसाफा कर लो, ये हाथ की हथेलियां भी तुम खोल नहीं सकती हो, ये भी सिर्फ उस वक्त जायज है तुम्हारे लिए जब जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा हो और कोई लड़का किसी लड़की को देखने के लिए आए, तो एक नजर लड़के को लड़की दिखा देना चाहिए और लड़की को लड़का दिखा देना चाहिए। उस मौके पर हुक्म है कि लड़का अपनी होने वाली बीवी के अंदर उसका सिर्फ चेहरा देख सकता है और उसके हाथ की हथेलियां सिर्फ यहां तक, ये भी नहीं, कलाई भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ हाथ की हथेलियां इतना देखा जा सकता है अपनी होने वाली बीवी के अंदर जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है। इतने ही से देखकर आपको अंदाजा लगाना है कि इसको आप अपनी बीवी बनाओगे या नहीं बनाओगे। अपने होने वाले पति के लिए, जिसके लिए तुम पूरी जिंदगी पर हलाल होने के लिए जा रही हो, उसके लिए भी शादी से पहले चेहरा और हाथ की हथेली से ज्यादा उसको भी कुछ नहीं दिखा सकती हो। तो मेरी बहनों, फिर दूसरों के सामने हाफ हाफ आस्तीनों के कपड़े पहनना, कलाई में खोल के चलना, टाइट ब्लाउज पहन के साड़ी का पेट का हिस्सा दिखाकर चलना, ये तुम्हें किसने इजाजत दे दी? ये तुम्हारे लिए किसने जायज बना दिया? ये कहां से तुम्हें इस बात की इजाजत मिल गई? जिसके लिए तुम हलाल होने जा रही हो, जिसकी बीवी बनने जा रही हो, उस शौहर होने वाले शौहर के लिए भी इससे ज्यादा दिखाना जायज नहीं है। जब तक कि शादी ना हो जाए, निकाह ना हो जाए, तो फिर बाजारों में घूम कर गैरों को दिखाने की इजाजत तुम्हें कहां से मिल गई, कहां से आ गई तुम्हारे लिए? सुनना पड़ेगा। बोलना क्या करें, सुनता हूं तो लगता है कि बहुत खतरनाक मामला है, और अभी सुन के निकल जाएंगे। कोयल चीखती है कितना अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं आदमी, वही आ गया। हम तो बोल रहे हैं या भौंक रहे हैं तो अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो तकरीर का इख्तिताम और एंड बताएगा कि हम बोल रहे थे या भौंक रहे थे। अगर आपने अमल किया तो बोल रहे थे, सुना और यही झाड़ के चला गया तो समझ लो भौंक रहा था। ये तो आपका किरदार बताएगा, ये तो आपकी अमली जिंदगी बताएगी कि मेरी हैसियत यहां बोलने की है या भौंकने की है। ये तो आपका अमली किरदार बताएगा। आइए मौलाना, चाय पे कितनी इज्जत करते हैं लोग, मेरे निकल जाए तो सलाम अलैकुम बैठिए, लेकिन कितनी तकलीफ होती है कि जब देखता हूं मौजमपुर स्टैंड से लेकर भलिया टांगा बोर्ड तक जाते हुए कितने दुकानों पर कैरम बोर्ड रखे हुए और खेलते हैं लोग, तकलीफ होती है कि ये हुआ 20 साल तकलीफ करने का रिजल्ट, ये निकला कि अभी तक ये मुआशरा, ये समाज, ये सोसाइटी कैरम, ये नौजवान कैरम बोर्ड नहीं छोड़ सका है अपना, और मामला कैसे छोड़ेगा, जहेज का लेन देन कैसे बंद करेगा, शराब कैसे बंद करेगा, स्मैक कैसे बंद करेगा, ब्राउन शुगर कैसे बंद करेगा, LSD कैसे बंद करेगा, ये गांजा कैसे बंद करेगा, अफीम कैसे बंद करेगा। जब एक मामूली चीज कैरम बोर्ड नहीं छोड़ सकता है तो और ये सारी चीजें कैसे छोड़ेगा, यकीन नहीं आता है, यकीन नहीं आता। वला तजस्सु, किसी की जासूसी ना करो, किसी की टोह में ना लगो। देख रहा हूं ये लड़का कहां जाता है, ये लड़की स्कूल तो गई नहीं, पर कहां चली गई, उसके पीछे मोटरसाइकिल से दौड़ गए। अरे जानते तुम्हें क्या मतलब है उसका पीछा करने का, उसके साथ उसकी अमल है,
मेरे साथ मेरे